फ्रेंड्स, दिस संदीप कुमार एंड यू आर वॉचिंग मोस्ट वांटेड चैनल ऑल ओवर द वर्ल्ड। इट्स कॉल्ड संदीप मेगा स्टार। तो गाइज, आज सुबह के 7 बजने वाले हैं, लेकिन मौसम का नज़ारा कुछ ऐसा है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना दी जाए और देखा जाए आज का नज़ारा कैसा है। मैंने सुबह आज जब उठा तो मुझे लगा कि चल एक्सरसाइज वॉकिंग करना चाहिए, लेकिन मौसम का नज़ारा कुछ ऐसा है गाइस। तो ये गांधी की स्टेचू, ठीक है, बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है। ये मेरे सिटी में है, मेरे घर से लगभग आधे घंटे की दूरी पर है। जब अगर आप पैदल वॉकिंग करके आते हो तो आधे घंटे की दूरी पर ये स्टेचू है, बहुत ही खूबसूरत है। मैंने सेल्फी भी यहाँ पे ले चुकी है ऑलरेडी, और मैं आपको नज़ारा दिखलाने वाला था, ठीक है। तो नज़ारा आप देखो, आपको मैं बैक कैमरे से दिखलाता हूँ, ठीक है, फ्रंट कैमरे से। आप यहाँ से देख सकते हो कि ये सूरज में नज़ारा कितना खूबसूरत है। मैं आज सुबह जब उठा तो बिस्तर से, तो मुझे लगा कि मैं आज सो जाऊँगा, चाय के अंदर चले जाऊँ, बट एक अपना डेली रूटीन बन जाता है, एक आदत बन जाती है, सो सो उठकर एक्सरसाइज करना बहुत ही ज़रूरी है। ज़रूरी है कम से कम अपने को आधा घंटा एक घंटा टाइम खुद के वास्ते निकालना बहुत ही ज़रूरी है, कि हम फुल डे में आगे आज करने क्या वाले हैं, बस जो भी करने वाले हैं तो अपना रिएक्शन कैसे रहेगा, एक्शन कैसे रहेगा, तो उसके अकॉर्डिंग काम करना बहुत ही ज़रूरी है। जिस तरह हम सुबह सुबह उठकर नाश्ता करते हैं, नाश्ता करने के बाद फुल डे हमारा जो ब्रेकफास्ट काम करता है, हमें काम करने में हेल्प करता है। जैसे हम सुबह में क्या है कि नाश्ता कर लेते हैं और दिन में लंच करें ना करें तो हम शाम तक आराम से अपनी एनर्जी पुश करके काम को रिजल्ट दे सकते हैं। बट अगर हमारा नाश्ता ही सही नहीं होगा और सुबह का स्टार्टिंग ही सही नहीं होगा तो हम कैसे कर पाएंगे डूड। तो चलो मैं क्या एक गांधी जी के अपने स्टैचू में वो आपको दिखला देता हूँ, ठीक है। तो स्टैचू आप गौर से देखिए, खूबसूरत बहुत ही अच्छी बनाई गई है, ठीक है। हमारे बाबू जी इंस्पिरेशन है हर यूथ के लिए। अगर आप उनके रूल्स फॉलो करेंगे, अगर उनके बुक्स पढ़ेंगे आप, तो आपको बहुत सारी लाइफ लिविंग मोटिवेशन हमेशा मिलेगी और लाइफ में हमेशा बूस्ट करोगे। ऐसी खुशी तो सब देते हैं, रिजल्ट कौन देता है, माइंड वाला। गाइस, मैं आपके सामने प्रेजेंट हो गया हूँ, ठीक है, और मैं आपको मोटिवेशन का बुक दिखला देता हूँ, आप देखते जाओ, ठीक है। और आज कुछ खास में बात करता हूँ क्योंकि मेरी वीडियो शूट करने का तरीका कुछ अलग है, सबसे डिफरेंट वीडियो शूट करता हूँ, स्टार्टिंग कर रहा हूँ अभी, ठीक है। गाइस, थोड़ा हेल्प करो मुझे, मेरे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करो, थोड़ा कैसे सब्सक्राइब करो, थोड़ा सब्सक्राइब करो गाइस, थोड़ा एनर्जी मिलती है, थोड़ा इंस्पिरेशन मिलता है कि हाँ लोग पसंद कर रहे हैं, तो उसे मोटिवेट हो के बहुत सारी वीडियोज़ बनाऊँगा, ऐसे ऐसी वीडियोज़ लेकर आऊँगा, लोग जो लोग नहीं दिखाना चाहते, नहीं बताना चाहते, वो मैं शेयर करूँगा, जिससे आप भी जान पाए कि देसी बंदा क्या क्या कर सकता है। तो गाइस चलिए आज कुछ अच्छी टॉपिक पर बात करते हैं। टॉपिक क्या है, मैं तो कुछ भी नहीं किया हूँ, तुरंत चूज करता हूँ जस्ट एक। तो जिस तरह मोबाइल की बैटरी डाउन हो जाती है सो उसको चार्ज कर लेते हैं, जिस तरह उसकी बैकअप होती है, उस तरह हमारा माइंड और स्पिरिचुअलिटी, ठीक है, दो तरह की जो हमारी ग्रोथ है, माइंड की ग्रोथ वो होती है, तो हमारी लाइफ में जो हर्डल्स होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, उसको हम बहुत ही सिंपली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एटलीस्ट कम से कम गाइस हमें सुबह उठकर ये आधे घंटे का वक्त अपने आप को देना चाहिए, ये बहुत ही ज़रूरी है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि एवरी डे पॉपुलेशन इतनी तेज़ी से ग्रो कर रही है, और हमारे जो भाई लोग हैं, किसान भाई लोग हैं, अपने प्रोडक्शन को इतनी तेज़ी से बढ़ा रहे हैं, जिसको रेडी होने में 5 महीने लगते थे, वो कम से कम अभी 1 महीने में रेडी हो जा रहे हैं, ठीक है। और हम जाएंगे तो जाएंगे कहाँ, खाना तो पड़ेगा ही ना, तो वो जब हमारे बॉडी में जा रहे गाइस, तो हमारी बॉडी को बहुत ही डैमेज कर रहे हैं। तो हमारी बॉडी की सिक्योरिटी के लिए, हमारे हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए एक्सरसाइज करना बहुत ही ज़रूरी है, कम से कम एटलीस्ट आपको एवरीडे आधे घंटे देना ही चाहिए, ठीक है गाइस। और चांद निकल आया, मैं दिखला देता हूँ, चांद वापस निकल आया गाइस, मैं मजाक नहीं कर रहा था, देखो देखो आज के सभी के हम 8 बजने वाले हैं और हमारे गाँव का नज़ारा कुछ ऐसा है, ठीक है। चांद दिखा क्या, नहीं दिखा, दिखा क्या, नहीं दिखा, तो मैं आपको बाद में दिखलाता हूँ, ठीक, अभी फिर छुप गया, मजाक नहीं कर रहा है सच्ची रियली। तो चलो गाइस,
बात करता हूँ कि व्हाट आई थिंक अबाउट माई लाइफ प्रॉब्लम्स, अगर मेरी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं तो मैं क्या सोचता हूँ उसके बारे में, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे हम कॉलेज में या स्कूल में जब एग्ज़ाम्स होते हैं हमारे, ठीक है, तो एग्ज़ाम्स क्या होते हैं, ईयरली होते हैं, हर एक साल में एक एग्ज़ाम होता है, उसके बाद हम क्लास जंप करते हैं। तो ये जो ड्यूरेशन होता है ना गाइस, इसमें हमारे बहुत सारे टेस्ट होते हैं, एनुअल एग्ज़ाम्स होते हैं, और एनुअल एग्ज़ाम जब साल में जब एक बार होता है ना, तो हमारे बीच इतने सारे टेस्ट हो जाते हैं जिससे हमारी स्किल जो होती है पढ़ाई की होती है, मतलब जो भी शुरू में 10 रहती है, फिर 20 होती है, फिर 30 होती है, फिर 40 होती है, 50 होती है, एटलीस्ट करते करते 80 तक पहुँची जाती है। तो ऐसा नहीं कि हर एक बंदा फर्स्ट डिवीज़न आता है, लेकिन सीखते हर एक लोग है, ठीक है। एग्ज़ाम क्या है, एक तरह से वो हमारा ये बतलाता है कि आपने कितनी प्रिपरेशन की है माइंड के तौर पे। तो उसी तरह हमारे लाइफ में जब प्रॉब्लम्स आते हैं गाइस, प्रॉब्लम्स आते हैं तो बहुत सारे लोग जो डिफाइन करते हैं लाइफ जस्ट लाइक सक्सेस एंड फेलियर, तो गाइस फेलियर कुछ होता नहीं है, होता है तो लर्निंग, ठीक है। लर्निंग इज़ द मेन थिंग फॉर अर्निंग। तो गाइस हमें ज़्यादा टाइम अपने लर्निंग पे देना चाहिए, नॉट अर्निंग, ठीक है। तो जैसे हम कुछ लाइफ में हमारे प्रॉब्लम्स आते हैं, जो प्रॉब्लम्स में जान निकल आया, एक मिनट, वो रहा, ठीक। तो मैं बात कर रहा था जिस तरह हमें लर्निंग पे फोकस करना चाहिए। तो जिस तरह हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं, और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमें थोड़ा वक्त लगता है, ठीक है। तो उस प्रॉब्लम सॉल्व करने के जिस तरह हम सीखना बहुत ही ज़रूरी है। हाँ, तो गाइस सभी के लाइफ में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्रॉब्लम्स होते हैं, तो प्रॉब्लम्स आना बहुत ही ज़रूरी है गाइस। अगर हमें कुछ बड़ा करना है तो प्रॉब्लम को फेस करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर लाइफ से प्रॉब्लम ही निकल जाएगा तो ज़िंदगी जीने का मज़ा कैसे आएगा भाई। इसलिए रियली बताऊँ तो ये बात निकल कर सामने आती है कि कोई भी प्रॉब्लम्स लाइफ में आती है तो उसको सॉल्व करने के लिए हमें जो टाइम लगता है वहाँ तक पहुँचने के लिए, उसको फाइंड आउट करने के लिए, उसको सॉल्यूशन करने के लिए, तो वो हमारे एक लर्निंग प्रोसेस रहता है गाइस, और ये बहुत ही ज़रूरी है हमें सीखने के लिए, ठीक है। क्विक मनी चाहिए तो ये बहुत ही सिंपल है, ठीक है, कुछ भी गलत काम करो क्विक मनी आ जाएगी, लेकिन एक लाइफ को जीना और उसको एक्सप्रेस करना और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना और अपने माइंड स्किल को यूज़ करना बहुत ही ज़रूरी है गाइस, और उसको करने बहुत ही मज़ा आता है, ठीक है। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं जो ये छोटी सी क्लिप बताया आपको और जो बनाया आपको अच्छी लगी होगी। तो दिस इज़ माय स्टार्टिंग पीरियड, अगर मेरे से थोड़ी बहुत कुछ गलती भी हो जा रही है तो आप प्लीज़ सॉरी फॉर दैट। लेकिन गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल टू बूस्ट माई एनर्जी नेक्स्ट टू हाई लेवल। एंड गाइज मैं आपको उम्मीद दिलाता हूँ कि मैं बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाऊँगा आपके लिए, मैं बहुत सारी मेहनत करूँगा, अपने नॉलेज को एक्सप्रेस करूँगा, शेयर करूँगा, बताऊँगा कि मैं क्या सीखता हूँ, मैं क्या बोलना चाहता हूँ, मैं क्या आपको दिखलाना चाहता हूँ। तो चलिए आपको सबसे पहले मैं तो सनरेज दिखलाता हूँ कि सनरेज द बेस्ट मोटिवेशन फॉर आवर लाइफ, ठीक है। जिस तरह सूर्य उदय प्रतिदिन होता है वो भूलता नहीं, उसी तरह हमें भी प्रतिदिन अपने कामों को इतनी बेहतरीन तरीके से करना चाहिए और अपना ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। चलिए दिखलाता हूँ सनरेज, दिस इज़ द वेरी ब्यूटिफुल स्टार्टिंग ऑफ द डे। मैं आपको बैक कैमरा देखता हूँ, आपको नज़ारा बहुत ही मज़ा आएगा। तो चलिएगा, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू सून, वंदे मातरम, भारत माता की जय।